हेलो। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है सर का? केमिकल चेंजेस। एंड रिएक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर ये आपका। जहाँ तक मेरा मानना है चैप्टर आपके लिए कोई नया नहीं है। तो मतलब ये टॉपिक पहली बार ही पढ़ रहे हो या आप 8th और 7th में पढ़ चुके हो? जहाँ तक मेरे को ध्यान है वहाँ पर आपने दो दो चीज़ें पढ़ी हुई थी बेसिकली। अगर बताऊँ तो चेंजेस, तो चेंजेस के अंदर फिर आपने पढ़े थे कुछ चेंजेस टेम्प्ररी होते हैं, कुछ टेम्प्ररी पर कुछ चेंजेस परमानेंट होते हैं। परमानेंट है ना। टेम्प्ररी के अंदर आपने बहुत सारे पढ़े थे, कुछ पीरियोडिक चेंज, ठीक है, ऐसे करके करके बहुत सारे पढ़े थे। परमानेंट के अंदर आपने पढ़ा था केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज भी पढ़ा था। बहुत सारे मतलब पढ़े थे ना। तो ये वाला जो चैप्टर है ये इनके बारे में डील नहीं करते स्पेसिफिकली। इसके बारे में डील करेगा, इसके बारे में डील करेगा केमिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल चेंजेस के बारे में, केवल केमिकल चेंजेस के बारे में। और जो कि क्या है, परमानेंट चेंज का एक टाइप है, जो कि क्या है, एक तरह का परमानेंट चेंज है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको केमिकल चेंज की एक डेफिनेशन बताना है। तो पहले तो समझा दें केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। बहुत सारे चेंज होते हैं। पहले तो ये कह रहा है कि केमिकल चेंज का एक परमानेंट चेंज है, ये टेम्प्ररी चेंज नहीं है, ये परमानेंट चेंज है। यानी एक बार आ गया तो बाद में रिवर्स नहीं हो सकता, हमेशा के लिए चेंज आता है, ठीक है। इन दोनों के नाम भी होते थे, टेम्प्ररी परमानेंट के, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज। आपको ध्यान हो तो ये इरिवर्सिबल है, एक बार हो गया तो हो गया, परमानेंट चेंज होता है। तो कह रहे हैं इन बच्चों केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज, जिसमें जो हमारा सब्सटेंस होता है जिसमें हम चेंज ला रहे होते हैं, एक जो हमारा सब्सटेंस होता है जिसमें हम चेंज ला रहे होते हैं, वो सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और न्यू सब्सटेंस बनते हैं, और नए सब्सटे और न्यू सब्सटेंस की न्यू कंपोजिशन होगा। न्यू सब्सटेंस के अंदर न्यू केमिकल कंपोजिशन होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी नई होंगी। वो भी क्या होंगी? नई होंगी। तो केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन में कितनी चीज़ें आती हैं? पांच चीज़ें। पहला पहला एक परमानेंट चेंज है, जिसके अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं। और नए सब्सटेंस कैसे बनेंगे? नए सब्सटेंस के अंदर नई ही केमिकल कंपोजिशन होगा, नई ही प्रॉपर्टीज होगी। यानी नहीं, जो पहला सब्सटेंस था जिसकी प्रॉपर्टीज थी वही प्रॉपर्टीज इस नए सब्सटेंस की रहे नहीं, पुराने सब्सटेंस के नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज होंगी, ठीक है। दिस चेंज इज नॉट इजिली रिवर्सिबल। ये ऐसा नहीं कि रिवर्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट इजिली रिवर्सिबल नहीं है। इजिली रिवर्सिबल नहीं है, आप इजिली चेंज को वापस बैक नहीं कर सकते, ठीक है। अ केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, सर इसके लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन है ना। लिखा हुआ है अ केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। वो कह रहे हैं जब कभी भी केमिकल में चेंज होगा, जब कभी भी केमिकल चेंज होगा, तो केमिकल चेंज मतलब, केमिकल चेंज मतलब ये सब, जब कभी भी ये सब होगा इसके अंदर ये चीज जरूर होगी।
उसके अंदर ये चीज़ जरूर होगी, उसके अंदर ये चीज़ जरूर होगी। सर ये क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है पढ़ते हैं जरा क्या होता है ये। तो लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। दो टर्म मुझे आपको समझाने हैं। बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन है प्लस इसमें ऑक्सीजन मिलाया मिला, ठीक है, इससे क्या बना, इससे क्या बना H2O, यानी कि वाटर है ना। तो ये जो किसी, ये एक क्या, एक प्रोसेस ही तो है, एक प्रोसेस तो हुई यहाँ पर, ये एक प्रोसेस ही तो हुई है। तो इस प्रोसेस में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, इस प्रोसेस में इन दो सब्सटेंस ने पार्टिसिपेट किया, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तब जाकर इन दोनों सब्सटेंस ने आपस में प्रोसेस की और ये H2O वाटर बनाया। तो इस पूरी प्रोसेस में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जब ये रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोसेस करते हैं, जब ये रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोसेस करते हैं और एक नया सामान बना देते हैं, इस सामान को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और ये प्रोसेस में प्रोसेस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो आई थिंक आपको केमिकल रिएक्शन की भी डेफिनेशन समझ आ गई होगी, रिएक्टेंट का मीनिंग समझ आ गया, प्रोडक्ट का मीनिंग समझ आ गया। सर एक बार डेफिनेशन पढ़ाना, डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम, यहीं से डेफिनेशन निकालते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन क्या है एक प्रोसेस है, इन विच रिएक्टेंट्स, इन विच रिएक्टेंट्स, जहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या करते हैं फॉर्म अ प्रोडक्ट, जहाँ पे रिएक्टेंट्स मिलकर क्या करते हैं एक नया सब्सटेंस जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं उसको फॉर्म करते हैं। लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है वहाँ पर भी, एक प्रोसेस है जहाँ पर रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या करते हैं, न्यू बॉन्ड्स एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। अभी कैसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, ये अपने पुराने बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, जो पुराने रिलेशन होते हैं केमिकल्स के उनको तो तोड़ देते हैं और फिर नए नए बॉन्ड बनाते हैं, नए फॉर्म बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो केमिकल बॉन्ड रिकॉर्डिंग होती है, तो केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड एक वो फोर्स है, वो ताकत है जो क्या करती है, दैट होल्ड द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर एज एन कंपाउंड। केमिकल बॉन्ड एक वो ताकत है, केमिकल बॉन्ड एक वो ताकत है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर, बहुत सारे एटम्स होते हैं आपको पता है, सबसे छोटा एटम होता है, एटम से बड़ा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, उन एटम्स को बांधने के लिए, एटम्स को एक जगह पर रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कुछ ना कुछ पावर चाहिए होगी, उस पावर को, फोर्स को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। उन सारे एटम्स को पकड़ कर रखने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है, जो ताकत की जरूरत होती है, ताकत को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, है ना, ठीक है। आपको तीन टर्म क्लियर हो गए हैं अब तक, केमिकल चेंज, फिर हमने पढ़ा केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का फिर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, दोनों डिफरेंट होते हैं। फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी, केमिकल बॉन्ड्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड। वो कह रहे हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन जो भी होगा ये तब भी होगा
जब पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से करेंगे कोलाइड करेंगे, कोलाइड मतलब मिलना, टकराना। अगर ये H2O, अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते ही नहीं आपस में, मिलते नहीं, दूर दूर रहते, दूर दूर रहते, वाटर बल पता नहीं हो पाता, और क्योंकि कोलाइड हुए, ये क्या हुआ, एक दूसरे मिले, एक दूसरे टकराए, और टकराए तो ये वाटर बन गया, ठीक है। सर ये कोलिजन होता कब है, ये जो कोलाइड करते हैं, ये टकराव होती कब है, ये टकराव कब होती है, टकराव तब होती है जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के पास आते हैं, जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के पास आते हैं इन क्लोज कॉन्टेक्ट, या फिर उनके बीच में जब एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। तो कह रहा है दस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी फॉर केमिकल, तो कह रहा है केमिकल चेंज के लिए बहुत सारी कंडीशन नेसेसरी होती हैं, अगर ये कंडीशन प्रेजेंट रहेंगे तभी केमिकल चेंज हो पाएगा, दवा नहीं पाएगा। तो कंडीशन से पहली कंडीशन ने बताई दी कि रिएक्टेंट जो होते हैं उनको पास होना चाहिए, अगर रिएक्टेंट्स पास होंगे नहीं तो कोलिजन होगा नहीं, कोलिजन होगा नहीं तो केमिकल चेंज होगा नहीं, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। तो कह रहे ऐसे और भी हैं, ऐसे और भी हैं, सात दी हुई है आपको, सेवन कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। पढ़ते हैं, तो पहली तो दी हुई है मिक्सिंग, मिलाना, तो मिलाने का उनको पास लेकर आना, उनको क्लोज लेकर आना, तो बिल्कुल नहीं क्लोज कॉन्टेक्ट उनका, जिसको मिक्सिंग बोला है। तो क्या इन सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाएगा इन सॉलिड स्टेट, जब उनको मिक्स किया जाए, उनको कंबाइन किया जाए सॉलिड स्टेट में। एग्जाम्पल आयोडीन एंड फास्फोरस रिएक्ट एक्सक्लूसिवली व्हेन ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट, वो कह रहे हैं आयोडीन फास्फोरस को जब एक दूसरे के पास लेकर आता है तो एकदम रिएक्ट करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, एक्सक्लूसिवली यानी ब्लास्ट, एकदम एकदम से क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल दे रहे हैं लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का होता है, और पोटेशियम आयोडाइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, ये दोनों मिलते हैं तो ये लेड आयोडाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का होता है। तो ये भी तभी होता है रिएक्शन जब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, जब दोनों एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं। क्या इक्वेशन याद करने हैं, अभी तो मैं नहीं बोलूंगा पर बाद में बोलूंगा कि याद कर चलने हैं। लेड का है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है ये, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है, ठीक है ठीक है। अरे लेड फॉर्मूला है, आयोडाइड का फॉर्मूला है, लेड आयोडाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं सॉल्यूशन, पहले तो था मिक्सिंग, और दूसरा कह रहे हैं सॉल्यूशन इन सम केसेस, बेसिकली ये पॉइंट मिक्सिंग का ही है, उन्होंने पता नहीं हेडिंग क्यों दी, तो पता हेडिंग का देना चाहिए, यहाँ पे जैसे सॉलिड स्टेट और यहाँ पे जैसे लिक्विड, बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड, यहाँ पे हम सॉलिड सब्सटेंसेस को उनके सॉलिड स्टेट में मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम उनको क्या मिक्स करते हैं, उनकी एक्वियस स्टेट में, एक्वियस स्टेट में यानी उनकी लिक्विड स्टेट में, उनकी लिक्विड स्टेट में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिक्स ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सॉल्यूशन है, ये एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा रिएक्शन है जो कब होगा, जब बहुत सारी चीज़ें डिजोल्व की जाएंगी, जब बहुत सारी चीज़ें सब्सटेंस से आपस में डिजोल्व की यानी मिक्स किए जाएँ, और मिक्स कैसे किए हैं, या तो वो थोड़े मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन थोड़े पिघले हुए स्टेट में हो, या फिर बिल्कुल ही लिक्विड स्टेट में हो, या फिर बिल्कुल ही एक्वियस स्टेट में, ठीक है। इसके एग्जांपल के दे रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं एक, और सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट इन वाटर सोल्यूशन ले, ये तो ऐसे है कि केवल ये अगर लिक्विड फॉर्म में होंगे, वाटर के अंदर होंगे तभी रिएक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज स्टेट, अदरवाइज कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। चीनी को देख लो, चीनी और नमक को आपस में रख दो, क्या कुछ हो पाएगा, चीनी और ऑक्सीजन को आपस में रख दो, क्या कुछ हो पाएगा, नहीं। लेकिन चीनी और वाटर को अगर इधर रख दिया गया तो वो स्वीट वाटर बना देंगे। सोडियम क्लोराइड ले लो, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, ये दोनों भी रिएक्ट तभी करेंगे सॉल्यूशन में, इन ये तभी सॉल्यूशन स्टेट में ही रिएक्ट करेंगे,
और क्या करेंगे, टू फॉर्म अ परसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और एक सिल्वर क्लोराइड के परसिपिटेशन फॉर्म होगा उससे सोडियम नाइट्रेट का भी। ये कह रहा हीट, कह रहा कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हीट होने पर भी रिएक्ट करते हैं। इसमें आपको मैं क्या एग्जांपल दूं घरेलू, आप फायर क्रैकर्स ले लो। फायर क्रैकर्स को आपस में एक दूसरे बारूद, जिसको हिंदी में बोलते हैं बारूद, बहुत सारे बारूद को एक साथ रख दो, क्या कोई रिएक्शन होगा उनके बीच में? नहीं। लेकिन अगर बारूद के साथ गलती से हीट एनर्जी मिला दिया तो वो एकदम एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करते हैं। तो भी कह रहा कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं इनके बीच में केमिकल रिएक्शन केवल तभी होगा जब उनके बीच में हीट होगी, तो हीट भी जरूरी है। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल में दिया हुआ है कॉपर कार्बोनेट है, वो डिकम्पोज तभी होगा जब हम उसको हीट करेंगे। डिकम्पोज मतलब होता है उसके कंपोजिशन को तोड़ना, उसको कंपोजिशन को तोड़ना। अगर ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर बना हुआ है तो हम सबको ब्रेक कर देना, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है लेड नाइट्रेट, ये भी डिकम्पोज कभी होगा जब उसको हम हीट करेंगे। अब मोस्टली जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको डिकम्पोज हीट करके ही किया जाता है। लाइट, तो लाइट के लिए आपको ग्लूकोज वाला आ जाएगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आ जाएगा अपने यहाँ पे, और ये फोटोलिसिस भी दिया हुआ है यहाँ पे। वो कह रहा है कुछ केमिकल्स होते हैं जो कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो केवल बाय द एक्शन ऑफ लाइट होगा, यानी उनकी लाइट एनर्जी की जरूरत है, उनके लिए लाइट एनर्जी की जरूरत है। ऐसा सबसे ऐसे रिएक्शन को क्या बोलता है, फोटो केमिकल रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस भी बोला जाता है। ऐसे रिएक्शन को, ऐसे रिएक्शन को फोटो केमिकल रिएक्शन या फोटोलिसिस भी कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेसिकली, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, यानी वो काम करते हैं, और फिर देन रिएक्ट रैपिडली और एकदम से रिएक्ट करते हैं, एकदम से रिएक्ट करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर इंक्लूड कर दिया जाए लाइट की प्रेजेंस वहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी है प्लांट्स फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हाइड्रोजन क्लोराइन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं इन डिपेंडेंस ऑफ सनलाइट। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ क्लोरिन वाटर इज एक्सपोज टू सनलाइट, अगर क्लोरिन वाटर को अगर हमने सनलाइट में रख दिया गया तो बबल्स ऑफ गैसेस आर सीन। इसका मतलब क्या है कि क्लोरिन वाटर में से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन इज इवॉल्व है ना। इनको भी मैं इंपॉर्टेंट कह नहीं रहा क्योंकि मेरे को पता नहीं लास्ट में पूछे नहीं पूछे हैं, तो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो नहीं पूछे लेकिन एग्जांपल आपको याद रखते हैं, यानी एग्जांपल आपको याद रखने हैं, तो आप इनके ये याद मत रखना बेसर पर, ठीक है, ये याद जरूर रखना। तीन तीन दिन आप एक एक को याद रख ही लेना, जैसे एग्जाम्पल तो आपको हर कंडीशन की याद रखनी रखने हैं। फोर्थ कंडीशन दे रही है सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर कैप्ट इन ब्राउन बॉटल्स इन द लेबोरेटरी बिकॉज दे डीकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिल्वर नाइट्रेट फोर्थ एग्जाम्पल दिया हुआ है, फोर्थ कंडीशन में फोर्थ एग्जाम्पल है डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बिकम्स ब्लैक एज इट डिकम्पोज टू सिल्वर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड चेंजेस टू वाटर एंड कलरलेस कलरलेस गैस ऑक्सीजन इवॉल्व। वो अब देखो बेसिकली बता रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दो तरह के सोल्यूशन है, इनको अगर डिकम्पोज करना है तो इनको डिकम्पोज केवल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही किया जाता है, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में इसको किया जा सकता है। तो बता रहे सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट डिजॉल्व होता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, अब सिल्वर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है, वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो वाटर में और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। कुछ नहीं दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहा कुछ कंडीशन जो होंगे, कुछ रिएक्शन जो होंगे उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है, कुछ रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है। एग्जाम्पल
सर्टेन केमिकल रिएक्शन लाइक डिकम्पोजिशन सर्टेन कंपाउंड अगर ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द रिएक्टेंट्स। वो कह रहा है नाम तो नहीं लिया अभी तक, तो कह रहा पर लेकिन बहुत कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो है ना जिनकी ऐसे कुछ कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं, जिसके ऐसे कुछ कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं। तो वो कह रहे ये वाले जो रिएक्शन होते हैं कि वो तभी होंगे जब उनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर जाएगी, जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर जाएगी। रिएक्टेंट दैट आर कॉज और कंपनीड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो जैसे उनको फोटो रिसेंस बोला जाता था या फोटो केमिकल रिएक्शन बोला जाता था, इनको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो नाम आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले का, इलेक्ट्रिसिटी वाले का। तो क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर अकर्स ओनली इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वो कह रहा है हाँ, अगर वाटर को भी अलग करना है तो इलेक्ट्रिसिटी सोखते हो, हाइड्रोन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ऑन पासिंग करेंट थ्रू मोटर सोडियम क्लोराइड। अगर आपका थोड़ा सा पिघला हुआ सा सोडियम क्लोराइड नमक है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, अगर थोड़ा सा आपका मोल्टन एकदम मोल्ट शेप में मोल्टन स्टेट में अगर आपका है, तो उसमें से आपने करंट पास कर दिया तो उसमें से सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन एकदम अलग हो जाएगा। सिक्स्थ कंडीशन कह रहा है कुछ रिएक्शन होने के लिए प्रेशर। वो अगर कुछ तरीके के रिएक्शन तभी होंगे उस पर थोड़ा प्रेशर डलेगा, जो उसके ऊपर थोड़ा फोर्स डलेगा जब हम उसको थोड़ा प्रेस करेंगे। तो अगर सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली व्हेन द इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। तो कह रहा है कुछ रिएक्शंस तभी होंगे जब उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में रखा जाए। एग्जाम्पल कह रहा है मरकरी क्लोराइड एंड पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड, जब इनको साथ में क्रश किया जाता है तभी जाकर ये सीमेंट बनते हैं। मॉर्टर मतलब क्या, मिक्सर, वो सीमेंट का जो मिक्सर होता है ना उसको बोलते हैं मॉर्टर। तो इसको साथ में क्रश किया जाएगा तब ये मॉर्टर बनते हैं एंड गिव अ स्कारलेट कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड मरकरी आयोडाइड। और एकदम स्कारलेट कलर जैसा सब्सटेंस देते हैं इसको क्या बोलते हैं, मरकरी आयोडाइड। दूसरे एग्जाम्पल के दे रहा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, जब इनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है प्रेशर दिया जाता है तब जाकर ये नाम अमोनिया गैस प्रेजेंस वो प्रोड्यूस करते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस नीड अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट और डीसेलरेट द रेट एट विच देयर। वो कह रहा है कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जिनको कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो देख कैटलिस्ट किस काम में आते हैं, ये कैटलिस्ट बेसिकली आपके रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते भी कम भी करते हैं, जिसको रेट बोलते हैं। तो ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस की क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, इनकी रेट इंक्रीज कर देते हैं और किसी के डिक्रीज कर देते हैं। तो भी लिखा हुआ है सम केमिकल रिएक्शन नीड अ कैटलिस्ट फॉर व्हाट, टू एक्सेलरेट या फिर डिसेलरेट। एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, डिसेलरेट मतलब कम करना। क्या थे द रेट, रेट मतलब स्पीड, स्पीड एट विल तक करना, यानी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए कुछ को कैटलिस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, द कैटलिस्ट देम सेल्फ डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। वो करें कैटलिस्ट जो होता है वो खुद प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो खुद प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, सो रिमेन अनचेंज। सो ये अनचेंज ही रहता है, इसमें इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। चेंजेस आएंगे तो दो अदर रिएक्टेंट्स में आएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नोट सर्टेन केमिकल रिएक्शन प्रोसीडेड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी। वो कह रहा है तो यहाँ पे ये कह रहा है कुछ केमिकल रिएक्शन तो साउंड एनर्जी से भी होते हैं। एग्जाम्पल एसिटिलीन ब्रेक्स अप इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय एब्जॉर्बिंग साउंड एनर्जी। पता नहीं ये कौन सा मटेरियल है एसिटिलीन, तो वो कहते हैं एसिटिलीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको साउंड एनर्जी सुनाई दे गई, साउंड एनर्जी ने फील कर लिया, नहीं किसके बाद भी सुनाई देगी बहुत ज़्यादा। तो ये अकेले ही हाइड्रोजन और कार्बन में चेंज हो जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट के कुछ एग्जांपल दे दिए हुए हैं, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजिस ओनली एट 700 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट नाम का एक सब्सटेंस है जिसको आपको डिकम्पोज करना है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए आपको 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए।
700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। इवन देन द रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन वेरी स्लो। और अगर तुम्हें टेम्परेचर मिल जाए, फिर तो तुम टेम्परेचर मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर तुम्हें टेम्परेचर मिल भी जाए तो इसकी जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होगी ना, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकलने की जो स्पीड होगी वो काफ़ी स्लो होगी, वो काफ़ी स्लो होगी। तो क्या करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो कह रहा बट वैन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। लेकिन जब इसको मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ ही उसकी प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो कम डिकम्पोजिशन बिगिंस एट मच लोअर टेम्परेचर हो, तो इसका टाइम वो डिकम्पोजन और स्लो हो जाएगा, है ना, मच लोअर टेम्परेचर। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ, डिकम्पोजन बिगिंस एट मच लोअर टेम्परेचर वो कह रहा है। और डिकम्पोजन होना स्टार्ट 300 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। अब 700 डिग्री तक तो पहुँचने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही हो जाएगा, यानी इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एंड द मैग्नीशियम डाइऑक्साइड रिमेन्स अफेक्टेड, वो अनअफेक्टेड। वो कह जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है ना, जो ये सब्सटेंस है, ये तो अनअफेक्टेड रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आएंगे ही नहीं। दस इन दिस रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्स एज अ कैटलिस्ट। तो इसके अंदर इसने क्या किया, स्पीड बढ़ाने का काम कर। स्पीड बढ़ाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। स्पीड बढ़ाने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिया अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अमोनिया रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड, ताकि वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना सके। एंड वाटर वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम के अंदर वाटर वेपर कर सके एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट, है ना। अब कैटलिस्ट के दो टाइप आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो आप खुद समझ सकते हो, ये तो आप खुद समझ सकते हो कि जिस स्पीड बढ़ाएगा उसको पॉजिटिव बोलेंगे और जिस स्पीड घटाएगा उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है, पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब वो जो क्या करता है, एक्सलेट करता है स्पीड को, जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, एक्सलेट करता है। और नेगेटिव मतलब क्या, जो रिटार्ड करता है, रिटार्ड मतलब खराब करता है, जो खराब करता है, इसको इनहिबिटर भी बोलते हैं, इसको इनहिबिटर भी बोलते हैं। इसको पॉजिटिव कैटलिस्ट ही बोलते हैं, क्या बोले ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट का, ठीक है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। वो कह रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज अगर आपको नॉर्मली करना है तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। बट जब आप इसको करते हो विद दी हेल्प ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो फिर इसकी स्पीड बहुत जल्दी तेज हो जाती है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं एंजाइम्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। वो कह रहे हैं एंजाइम्स भी जो होते हैं ना, वो भी कैटलिस्ट की तरह ही काम करते हैं, वो भी इसके एग्जाम्पल है। दे आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो कैटलिस्ट का मीनिंग भी तो मैंने ये बताया, स्पीड बढ़ाने का काम करें बेसिकली। तो स्पीड बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वो कह रहा है एज अ कैटलिस्ट इन ब्लॉक बायोकेमिकल रिएक्शन। छोड़ो, वो कह रहा है कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं, जब बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ पर ये एंजाइम्स भी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन के टाइम पे द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इनटू 2 और 3 आवर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। वो कह रहा है एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, वो कह रहा है आपकी बॉडी के अंदर सफिशियंट कैटलिस्ट होंगे, तो जब डाइजेशन वाली प्रोसेस चल रही होगी ना, तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फूड केवल 2 से 3 घंटे में जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा अगर वहाँ पे एंजाइम्स हुए तो। अदरवाइज इट विल टेक मंथ्स, अदरवाइज इट विल टेक मंथ्स। समझ आ रहा है, आवर्स का कंपेरिजन मंथ से किया जा रहा है, यानी कितनी स्पीड तो जाती है एंजाइम्स की वजह से प्रमोटर्स। रुको, इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, प्रमोटर्स आते हैं तो पढ़ ही लेते हैं। सब्सटेंस दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट आर कॉल्ड प्रमोटर। वो क्या है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कैटलिस्ट की भी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, यानी कैटलिस्ट तो काम कर ही रहा है पर, लेकिन कैटलिस्ट की भी अगर स्पीड बढ़ानी है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो एक और सब्सटेंस यूज किया जाता है और उस सब्सटेंस को बुलाया जाता है प्रमोटर। सब्सटेंस क्या बोलते हैं, प्रमोटर।
एग्जाम्पल, इन द मैन्युफैक्चर फॉर्म मान लो आप अमोनिया बनाते हो, आयरन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, तो आयरन कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एंड मोलीबेडनम एक होता है जो प्रमोटर की तरह काम करता है, ये मोलीबेडनम जो है वो आयरन की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। नोट, इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट प्रमोटर अलोन कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट लाइन है। सपोज करो किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं है लेकिन प्रमोटर है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा उसका? बिल्कुल भी नहीं, दोनों को साथ होना जरूरी है। सर अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट है प्रमोटर नहीं तो किस पे बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, यानी प्रमोटर का कैटलिस्ट के साथ होना जरूरी है, कैटलिस्ट का प्रमोटर के साथ होना जरूरी नहीं है। कैटलिस्ट का प्रमोटर के साथ जरूरी होना के साथ होना जरूरी है, बट कैटलिस्ट का प्रमोटर के साथ होना जरूरी नहीं है। नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल देखते हैं, फॉस्फोरिक एसिड इज रिटार्ड द रेट ऑफ डिकम्पोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी ख़राब कर देता है डिकम्पोजन की स्पीड को, अगर जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी स्पीड को। द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। जब एल्कोहल के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑक्सीडेशन की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पहला पार्ट यहीं तक रखते हैं। होमवर्क लिखो अपना।